ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महात्म्य पहला अध्याय, देवर्षि नारद की भक्ति से भेंट। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश के हेतु तथा आध्यात्मिक आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के ताप का नाश करने वाले हैं। जिस समय श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों की अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के लिए घर से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी विरह से कातर होकर पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय वृक्षों ने तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से उत्तर दिया था, ऐसे सर्वभूत हृदय स्वरूप श्री सुखदेव मुनि को मैं नमस्कार करता हूँ। एक बार भगवत कथामृत का रसास्वादन करने में कुशल मुनिवर शौनक जी ने नैमिषारण्य क्षेत्र में विराजमान महामती सूत जी को नमस्कार करके उनसे पूछा। शौनक जी बोले, सूत जी, अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों की समान है, आप हमारे कानों के लिए रसायन अमृत स्वरूप सारगर्भित कथा कहिए। भक्ति ज्ञान और वैराग्य से प्राप्त होने वाले महान विवेक की वृद्धि किस प्रकार होती है तथा वैष्णव लोग किस तरह इस माया मोह से अपना पीछा छुड़ाते हैं? इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः आसुरी स्वभाव के हो गए हैं। विविध क्लेशों से आक्रांत इन जीवों को शुद्ध दैवी शक्ति संपन्न बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आपका ज्ञान सूत जी, आप हमें कोई ऐसा शाश्वत साधन बताइए जो सबसे अधिक कल्याणकारी तथा पवित्र करने वालों में भी पवित्र हो तथा जो भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करा दे। चिंतामणि केवल लौकिक शक्ति है और कल्प वृक्ष अधिक से अधिक स्वर्गीय संपत्ति दे सकता है, परंतु गुरुदेव प्रसन्न होकर सुख दे। भगवान का योग्य दुर्लभ नित्य वैकुंठ धाम दे देते हैं। सूची ने कहा, शौनक जी, तुम्हारे हृदय में प्रेम है, इसलिए मैं विचार कर तुम्हें संपूर्ण सिद्धांतों का निष्कर्ष सुनाता हूँ। जो जन्म मृत्यु के भय का नाश कर देता है, जो भक्ति के प्रवाह को बढ़ाता है और भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता का प्रधान कारण है, मैं तुम्हें वो साधन बतलाता हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। श्री सुखदेव जी ने कलयुग में जीवों के काल रूपी सर्प के मुख का ग्रास होने के त्रास का आत्यंतिक नाश करने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र का प्रवचन किया है। मन की शुद्धि के लिए इससे बढ़कर कोई साधन नहीं है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है, तभी उसे इस भागवत शास्त्र की प्राप्ति होती है। जब सुखदेव जी राजा यह कथा सुनाने के लिए सभा में विराजमान हुए, तब देवता लोग उनके पास अमृत का कलश लेकर आए। देवता अपना काम बनाने में बड़े कुशल होते हैं, अतः यहाँ भी सबने सुखदेव मुनि को नमस्कार करके कहा, आप यह अमृत लेकर बदले में हमें कथामृत का दान दीजिए। इस प्रकार परस्पर विनिमय अदला बदली हो जाने पर राजा परीक्षित अमृत का पान करे और हम सब श्रीमद् भागवत रूप अमृत का पान करेंगे। इस संसार में कहाँ कांच और कहाँ महामूल्य मणि तथा कहाँ सुधा और कहाँ कथा। श्री सुखदेव जी ने यह सोचकर उस समय देवताओं की हंसी उड़ा दी। उन्हें भक्ति शून्य कथा का अनधिकारी जानकर कथामृत का दान नहीं किया। इस प्रकार यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी दुर्लभ है। पूर्व काल में श्रीमद् भागवत के श्रवण से ही राजा परीक्षित की मुक्ति देखकर ब्रह्मा जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ था। उन्होंने सत्यलोक में तराजू बांधकर सब साधनों को तौला, अन्य सभी साधन तौल में हल्के पड़ गए। अपने महत्व के कारण भागवत ही सबसे भारी रहा। यह देखकर सभी ऋषियों को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने कलयुग में इस भगवद रूप भागवत शास्त्र को ही पढ़ने सुनने से तत्काल मोक्ष देने वाला निश्चय किया। सप्ताहविद से श्रवण करने पर यह निक्षय भक्ति प्रदान करता है। पूर्व काल में इसे दयाप्रायण सनकादि ने देवर्षि नारद को सुनाया था।
यद्यपि देवर्षि ने पहले ब्रह्मा जी के मुख से इसे श्रवण कर लिया था, तथापि सप्ताह श्रवण की विधि तो उन्हें सनकादि ने ही बताई थी। शौनक जी ने पूछा, सांसारिक प्रपंच से मुक्त एवं विचरणशील नारद जी का सनकादि के साथ संयोग कहाँ हुआ और विधि विधान के श्रवण में उनकी प्रीति कैसे हुई? सूची ने कहा, अब मैं तुम्हें वो भक्तिपूर्ण कथानक सुनाता हूँ जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालोपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा। सनकादि ने पूछा, ब्रह्मन, आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप चिंतातुर कैसे हैं? इतनी जल्दी जल्दी आप कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? इस समय तो आप उस पुरुष के समान व्याकुल जान पड़ते हैं जिसका सारा धन लूट गया हो। आप जैसे आसक्ति रहित पुरुषों के लिए यह उचित नहीं है, इसका कारण बताइए। नारद जी ने कहा, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी में आया था। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, नासिक, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीनगर और सेतुबंध आदि कई तीर्थों में मैं इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलियुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। अब यहाँ सत्य, तप, शौच, बाहर भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। वे असत्यभाषी, आलसी, मंदबुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री धन आदि सभी का परिग्रह करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग कन्या विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता। महात्माओं का आश्रम, तीर्थ और नदियों पर यवनों, विधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्ट ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, न सिद्ध है, न ज्ञानी है और न सत्कर्म करने वाला ही है। सारे साधन इस समय कलिरूप दावानल से जलकर भस्म हो गए हैं। इस कलियुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे हैं। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते हैं और स्त्रियां वेश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी है। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा, जहां भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं हो चुकी हैं। मुनिवरो सुनिए, वहां मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती स्त्री खिन मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। वो तरुणी उनकी सेवा करती हुई कभी उन्हें चेत कराने का प्रयत्न करती और कभी उनके आगे रोने लगती थी। वो अपने शरीर के रक्षक परमात्मा को दसों दिशाओं में देख रही थी। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती जाती थी। दूर से यह सब चरित देखकर मैं कुतूहलवश उसके पास चला गया। मुझे देखकर वो युवती खड़ी हो गई और बड़ी व्याकुल होकर कहने लगी। युवती ने कहा, अजी महात्मा जी, क्षण भर ठहर जाइए और मेरी चिंता को भी नष्ट कर दीजिए। आपका दर्शन तो संसार के सभी पापों को सर्वथा नष्ट कर देने वाला है। आपके वचनों से मेरे दुख को भी बहुत कुछ शांति हो जाएगी। मनुष्य का जब बड़ा भाग्य होता है तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं, नारद जी कहते हैं। तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या होते हैं और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियाँ कौन हैं? तुम हमें विस्तार से अपने दुख का कारण बताओ। युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए हैं। ये देवियाँ गंगा जी आदि नदियाँ हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे सुख शांति नहीं है। तपोधन अभियान देकर मेरा वृतांत सुनिए।
मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी उसे सुनकर आप मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझको बुढ़ापे ने आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया। चिरकाल तक यह अवस्था रहने के कारण मैं अपने पुत्रों के साथ दुर्बल और निस्तेज हो गई। अब जब से मैं वृंदावन आई, तब से पुनः परम सुंदरी स्वरूपवती नवयुवती हो गई हूँ, किंतु सामने पड़े हुए दोनों मेरे पुत्र थके मांदे दुखी हो रहे हैं। अब मैं यह स्थान छोड़कर अन्यत्र जाना चाहती हूँ। ये दोनों बूढ़े हो गए हैं, इसी दुख से मैं दुखी हूँ। मैं तरुणी क्यों और ये दोनों मेरे पुत्र बूढ़े क्यों? हम तीनों साथ साथ रहने वाले हैं, फिर यह विपरीतता क्यों? होना तो यह चाहिए कि माता बूढ़ी हो और पुत्र तरुण। इसी से मैं आश्चर्यचकित चित से अपनी इस अवस्था पर शोक करती रहती हूँ। आप परम बुद्धिमान एवं योग निधि हैं, इसका क्या कारण हो सकता है, बताइए। नारद जी ने कहा, साध्वी, मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। सूची कहते हैं, मुनिवर नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी ने कहा, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इसी से इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो गए हैं। लोग शतता और दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वही सत्पुरुष दुख से मलान है और दुष्ट सुखी हो रहे हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वही बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी क्रमशः प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही है। अब यह छूने योग्य तो क्या देखने योग्य भी नहीं रह गई है और न इसमें कहीं मंगल ही दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषयानुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के सहयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है, जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है, परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा है। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख, भगवत स्पर्श जनित आनंद की प्राप्ति होने के कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। भक्ति ने कहा, राजा परीक्षित ने इस पापी कलयुग को क्यों रहने दिया? इसके आते ही सब वस्तुओं का सार न जाने कहाँ चला गया। करुणामय श्रीहरि से भी यह अधर्म कैसे देखा जाता है? मुने, मेरा यह संदेह दूर कीजिए, आपके वचनों से मुझे बड़ी शांति मिली है। नारद जी ने कहा, बाले, यदि तुमने पूछा है तो प्रेम से सुनो। कल्याणी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परमधाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्राही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्रीहरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी उसे इस एक ही दृष्टि से सारयुक्त देखकर उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए ही इसे रहने दिया था। इस समय लोगों को कर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनाई के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं। इसलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा। जिनका चित निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का धूम करने लगे हैं।
इसलिए तप का भी सार निकल गया। मन पर काबू न होने के कारण तथा लोभ दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण एवं शास्त्र का अभ्यास न करने से ध्यान योग का फल मिट गया। पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ते को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा उसे सुनिए। भक्ते ने कहा, देवे आप धन्य है, मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका समागम हुआ। संसार में साधुओं का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अतः पहला अध्याय समाप्ति। दूसरा अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे और सब्सक्राइब कर